हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको तरीके से क्लीन किया जाता है यानी एक क्लिक में गूगल की हिस्ट्री को आज मैं आपको परमानेंटली डिलीट करके दिखाने वाला हूं। दोस्तों क्या होता है, जो कुछ भी आप गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब इन सभी पर जो कुछ भी आप सर्च करते हैं वो क्या होता है, वो जाके आपकी गूगल की हिस्ट्री में जाके सेव हो जाता है, जिसकी वजह से दोस्तों आपका फ़ोन, आपकी फ़ोन की मेमोरी फुल हो जाती है और आपका फ़ोन हैंग करने लगता है। तो दोस्तों मैं आपको वन क्लिक में गूगल की जितने भी दोस्तों हिस्ट्री है एक क्लिक में दोस्तों परमानेंटली डिलीट करके दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो पर अंत तक बने रहें, वीडियो पसंद है वीडियो को दोस्तों लाइक कर देना और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दो। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करते मैं वीडियो को शुरू। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे सूरज की टेक्नोलॉजी चैनल दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूं गूगल की हिस्ट्री को किस तरीके से क्लीन किया जाता है। तो दोस्तों गूगल की हिस्ट्री को क्लीन करने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा अपने मोबाइल के डेटा की ओर। सबसे पहले दोस्तों आपको अपने मोबाइल में मोबाइल के डेटा को चालू कर लेना है। मोबाइल के डेटा को चालू करने के बाद दोस्तों आपको जाना है, इसके बाद आपको अपने मोबाइल में गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। दोस्तों मेरा गूगल क्रोम, मेरा सिंपली मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, गूगल क्रोम को ओपन कर लूँगा। दोस्तों आपको भी कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने आपका गूगल क्रोम ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपको सर्च बार में क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप सर्च बार में क्लिक करेंगे, अब दोस्तों यहाँ पर आपको टाइप करना है माई एक्टिविटी। दोस्तों यहाँ पर आपको माई एक्टिविटी MYACTIBITY माई एक्टिविटी टाइप कर देना है। आप सिंपली आपको सर्च पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप माई एक्टिविटी लिखकर टाइप कर यानी सर्च कर देंगे, आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर दोस्तों आप पहला ऑप्शन देख पा रहे हैं गूगल माई एक्टिविटी, माई एक्टिविटी का ऑप्शन देख पा रहे हैं। सिंपली आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप माई एक्टिविटी पर क्लिक कर दोगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है मैं आपको दिखा दूँ। दोस्तों यहाँ पर देखिए माई गूगल एक्टिविटी, यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे हैं मैनेज बाई सर्विस यानी गूगल एड्स, क्रोम एड यानी इतने सारे जो एप्लीकेशंस देख पा रहे हैं, इन सारे एप्लीकेशंस का जो हम सर्च करते हैं दोस्तों जो हिस्ट्री होती है वो हमारी इन सारी हिस्ट्री का हमारे पास रिकॉर्ड हो चुका है। देख सकते हैं दोस्तों मेरे इतनी सारी हिस्ट्री मेरे यहाँ पर सेव हो चुकी है, जिसके कारण दोस्तों मेरा भी फ़ोन थोड़ा बहुत हैंग होता है, जिसकी वजह से मुझे दिक्कत होती है। अब दोस्तों मुझे क्या करना है, मैं दोस्तों आपको ये सारा कुछ डिलीट करके दिखाने वाला हूँ, वो भी वन क्लिक में। तो चलिए अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। आपको सबसे पहले सिंपली ऊपर एक बार रिफ्रेश कर लेना है। देखिए रिफ्रेश करने के बाद हम सिंपली वहाँ पर आ चुके हैं। अब दोस्तों आपको क्या करना, थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल जैसे ही दोस्तों आप थोड़ा सा करेंगे आपके सामने यहाँ पर सर्च बार आएगा मैनेज वाई डेट। अब यहाँ पर दोस्तों आप सर्च बार का ऑप्शन देख पा रहे हैं सर्च योर एक्टिविटी, इसी के दोस्तों जस्ट नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है फिल्टर वाई डेट एंड प्रोडक्ट। इसके सामने दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं आप डिलीट का ऑप्शन देख पा रहे होंगे। दोस्तों यहाँ पर सिंपली आपको इसी डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने चार ऑप्शन आएंगे। पहला ऑप्शन है हमारा लास्ट आवर यानी पिछले घंटे में आपने जितनी भी एक्टिविटीज़ की है क्या आप उसको डिलीट करना चाहते हैं, तो आपको लास्ट आवर पर क्लिक करना है। और दोस्तों लास्ट डे मतलब आप पिछले दिन का सारा, पिछले दिन की जितनी भी एक्टिविटी यानी हिस्ट्री है उसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप लास्ट डे पर क्लिक करेंगे। तीसरा हमारा दोस्तों ऑल टाइम पर क्लिक करेंगे तो हमारा सारा कुछ डिलीट हो जाएगा। और चौथा है दोस्तों हमारा कस्टम रेंज का मतलब है दोस्तों हमारा, यदि हम कस्टम रेंज पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने कैलेंडर शो करने लगेगा। मतलब कैलेंडर शो का मतलब दोस्तों जैसा कि आप मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, जैसा कि आप कस्टम रेंज पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कैलेंडर ओपन होगा। वहाँ से आप जैसे दोस्तों चुन सकते हैं कि मुझे इस महीने का यानी पहली तारीख से लेकर 25 तारीख तक का डेटा जितनी भी हिस्ट्री है वो डिलीट करना है, तो आप इसमें से दोस्तों यानी कस्टम रेंज अपने हिसाब से यहाँ से 25 से लेके मतलब 1 तारीख से लेके 25 तारीख तक का डिलीट कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं बता दूँ, मैंने आपको चारों ऑप्शनों के बारे में दोस्तों बता दिया, मुझे क्या करना है दोस्तों सारा कुछ डिलीट करना है यानी ऑल टाइम की हिस्ट्री मुझको डिलीट करनी है, तो सिंपली आपको ऑल टाइम पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप ऑल टाइम पर क्लिक कर देंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं चूज एक्टिविटी टू डिलीट, मतलब आपके सामने सारे एप्लीकेशन आ जाएंगे, ये सारे एप्लीकेशन आ जाएंगे। अगर यदि दोस्तों आप चाहते हैं कि आप जो असिस्टेंट है इसकी हिस्ट्री आप डिलीट करना नहीं चाहते हैं तो इसको सिंपली अनचेक कर देना, अनचेक इस पर क्लिक कर देना, ये अनचेक हो जाएगा। अब आप दोस्तों चाहते हैं मुझे इसकी भी नहीं करनी है तो आप
मतलब दोस्तों आप जिसकी भी हिस्ट्री डिलीट करना नहीं चाहते हैं उसको अनचेक कर देना है। मुझे सभी की हिस्ट्री डिलीट करना है, मैंने सभी को टिक कर दिया दोस्तों, सेलेक्ट ऑल पर टिक है मेरा, देख सकते हैं आप। अब इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपके सामने नेक्स्ट का ऑप्शन देख पा रहे हैं, सिंपली आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऑप्शन पर दोस्तों जैसे ही आप क्लिक कर देंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे सामने लास्ट हमारा यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है, कन्फर्म यू वुड लाइक टू डिलीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। मतलब आप क्या सच में आप सभी की हिस्ट्री डिलीट करना चाहते हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको कन्फर्म करना है। अब दोस्तों मुझे हाँ कन्फर्म, मुझे यहाँ सारी हिस्ट्री मुझको डिलीट करना है, तो सिंपली आपको एक बार और इस डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर मेरी जो हिस्ट्री है, जितने भी एप्लीकेशन मैंने सेलेक्ट किए थे उन सभी की हिस्ट्री मेरी यहाँ पर परमानेंटली डिलीट हो चुकी है, देख सकते हैं डिलीजन कंप्लीट। मैं यहाँ पर दोस्तों दिखा देता हूँ, अब दोस्तों मेरी यहाँ पर सारी हिस्ट्री यहाँ पर डिलीट हो चुकी है। यदि दोस्तों मैं आपको एक बार और बता दूँ, यहाँ पर दोस्तों जैसे ही आप डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक एरर का ऑप्शन आएगा, तो दोस्तों परेशान होने की कोई बात नहीं है, आपको सिंपली बैक आ जाना है और फिर से डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, फिर से आपकी जो हिस्ट्री है डिलीट हो जाएगी। मेरे में नहीं आया क्योंकि मेरी परमानेंटली डिलीट हो चुकी है। अब दोस्तों मैं यहाँ से सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, गॉट इट पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको अब इसके बाद आपकी हिस्ट्री डिलीट हो चुकी है। अब इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अब इसके बाद दोस्तों आपको सारा कुछ बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अब इसके बाद दोस्तों आपको फिर से वही गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम को दोस्तों जैसे आपको गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है, अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आप थ्री डॉट का ऑप्शन देख पा रहे हैं, सिंपली आपको थ्री डॉट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आप हिस्ट्री का ऑप्शन देख पा रहे हैं, इसी ऑप्शन पर हिस्ट्री के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। हिस्ट्री के ऑप्शन पर दोस्तों जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने आपने जितने भी गूगल पर एक्टिविटीज़ की यानी जितनी भी सर्चिंग की है वो सारी हिस्ट्री यहाँ पर आपके सामने शो करने लगेगी। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इस हिस्ट्री को हमें इसको भी हमको डिलीट करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे हैं क्लियर ब्राउजिंग डेटा, इसी ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा टाइम रेंज है और यहाँ पर ऑल टाइम है, हमें ऑल टाइम ही रहने देना है, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर ऑल टाइम ही रहने देना है। इसके बाद दोस्तों आपको सिंपली देख सकते हैं मेरी जो ब्राउजिंग हिस्ट्री देख सकते हैं 788 आइटम है, कुकीज़ हमारी 402 है और कैसेज इमेज एंड फाइल 105 है, सेव्ड पासवर्ड सॉरी हाँ यहाँ से दोस्तों आपको एक दो चीज़ें अनचेक कर देना है, कैसे इमेज एंड फाइल को अनचेक कर देना है, सेव्ड पासवर्ड को अनचेक कर देना है, ऑटोफिल डेटा को अनचेक कर देना है और बाकी दोस्तों सारा कुछ डिलीट कर देना है। देखिए अब इसके बाद दोस्तों जिसको आप रोकना चाहते हैं रोक लेना और इसके बाद दोस्तों आपको सिंपली क्लियर डेटा पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों जैसे आप क्लियर डेटा पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने इस तरीके का एक पॉपअप आएगा। अब दोस्तों यहाँ से आपसे बोल रहा है कि आप सच में ये सारा कुछ डिलीट करना चाहते हैं, तो दोबारा आपको सिंपली क्लियर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और इसको सारा कुछ डिलीट कर देना है। दोस्तों मैं इसको डिलीट करना नहीं चाहता हूँ क्योंकि दोस्तों मेरे में यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट हैं, इसलिए मैं डिलीट करना नहीं चाहता हूँ। दोस्तों सिंपली मैं ये सारा कुछ अनचेक कर दूंगा और मैं यहाँ से ब्राउजिंग हिस्ट्री है उसको सिंपली मैं यहाँ से क्लियर डेटा करके इसको डिलीट कर दूंगा। तो देख सकते हैं दोस्तों मेरी जो हिस्ट्री है इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा, देख सकते हैं यू ऑल फाइंड योर हिस्ट्री हियर, यहाँ से जितनी भी दोस्तों आपकी हिस्ट्री होगी वो यहाँ से क्लियर हो जाएगी और इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब मैं आपको दोस्तों दिखा देता हूँ, दोस्तों देख सकते हैं देखिए मैं बैक आ गया, अब मैं फिर से थ्री डॉट पर क्लिक करूँगा और हिस्ट्री पर क्लिक करूँगा, देखिए मेरी हिस्ट्री यहाँ पर बिल्कुल भी क्लियर है। इस तरीके से दोस्तों इन दो स्टेप्स को फॉलो करके आप अपनी गूगल की जितनी भी हिस्ट्री है उन सारी हिस्ट्री को दोस्तों यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, वो डिलीट कर सकते हैं वो भी एक क्लिक में दोस्तों, वो भी बहुत आसान तरीके से। तो दोस्तों आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई, दोस्तों वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जल्दी से दोस्तों सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दें दोस्तों, जिससे कि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक दोस्तों जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा जय हिंद जय भारत।